असलकम वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू ऑल आर हैविंग ग्रेट टाइम ये मैं जा रही हूँ सदर ये ट्वेंटी फ़र्स्ट जुलई का ब्लॉग है तो सदर क्यों जा रही हूँ सदर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ट्वेंटी फ़र्स्ट जुलई को सना सफीनाज़ पे सेल लगनी थी और यहाँ पे थर्टी परसेंट टू फिफ्टी परसेंट ऑफ़र थी तो ये मैं आ गई हूँ सना सफीनाज तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन कौन से आइटम्स पे सेल है क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी बताया था कि सेलेक्टेड आइटम्स पे सेल है ओवरऑल सेल नहीं है तो फिर सदर में इनके आउटलेट पे बेसमेंट में जो है वो अनस्टिच कलेक्शन होता है तो उस वो मैं देखने जा रही थी तो ये आप देखें स्टार्ट में जो था वो न्यू अराइवल था उस पर ऑफ नहीं था तो ये वाले हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये इन पे फोर्टी परसेंट ऑफ है और न्यू अराइवल में माहे का जो न्यू अराइवल था जो ईद से पहले लॉन्च हुआ था उस पर सेल थी बट जो मुजलिन कलेक्शन है आई डोंट रिमेम्बर कौन सा वॉलीम था जो न्यू वॉलीम था उस पर सेल नहीं थी ओल्ड कलेक्शन पे थी उसके ठीक है तो ये मैं आपको सारे आ, आर्टिकल्स दिखा रही हूँ ये आपको साथ साथ अभी पता चलता जाएगा कि कितना ऑफ़ है मैंने वो भी कवर करने की कोशिश की थी ये आप देखें ये वाले हैं ड्रेसेस ठीक है इनपे आई थिंक सो फिफ्टी परसेंट ऑफ़ था अभी आपको पता चलेगा yes ये वाले जो थे इन पे फिफ्टी परसेंट ऑफ़ था ये आप सारी कलेक्शन देख लें ठीक है इन पे फिफ्टी परसेंट ऑफ था लेकिन इसका पता है, मैं आपको सीन बताऊं क्या है अगर आपने ये कलेक्शन बाय करनी और सेल ऑफ़र uh, में से लेना है तो उसके लिए या तो आप पहले ऑनलाइन देख लें क्योंकि मैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट करके गई थी मैं क्योंकि मैं देखती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ सेल्स वगैरह वैसे भी मैं ऑनलाइन uh, देखती रहती हूँ ड्रेसेस कौन से आए और कौन से नहीं तो इनमें यह था के पिक करना मुश्किल था क्योंकि इतनी वास्ट और इतनी भी अच्छी जो मुझे है, मुझे इतनी पसंद नहीं आई मैंने आपको पहले भी बताया था एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस मेरे इतने फेवरेट नहीं हैं तो ये आप देख लें ये माहे के हैं इनका मुझे याद है ये वैसे तो थर्टी सेवन ऑलमोस्ट थर्टी सेवन हंड्रेड के थे तो इन पर आई थिंक सो फोर्टी परसेंट ऑफ करके ये बन रहे थे ट्वेंटी फ़ाइव 89 नाइन ठीक है ट्वेंटी फाइव आप कह सकते हैं देन ये है इनका ब्रेड कलेक्शन और इस पर इन्होंने फिफ्टी परसेंट ऑफ जो जितना जितना था वो इन्होंने मेंशन किया हुआ था इनकी सबसे मजे की बात ये थी कि इन्होंने साइजेस के अकॉर्डिंगली जो है वो आर्टिकल्स सेपरेट किए हुए थे जैसे मीडियम वाले जो हैं आपको एक कॉर्नर में मिल रहे थे लार्ज वाले सेपरेटली थे लार्ज वाले आई गेस ऊपर वाले फ्लोर पे थे और बाकी जो है इसी तरह मतलब अभी आपको दिखेगा इन्होंने सेपरेट किए हुए थे तो इस तरह से ये बहुत कन्वीनियंट हो गया था कि अपने अपने साइज़ आपको बार बार पूछने नहीं पड़ते थे या चेक नहीं करने पड़ते थे आपको जो साइज़ चाहिए आप उसी वाले सेक्शन में जा के देख सकते थे बट हो सकता है आपको ये पसंद आए मुझे इनमें से एक ये आपने देखा ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ तो मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं आया सीरियसली एक भी ऐसा नहीं था जो मुझे क्लिक किया हो इस तरह के थे ये आप देख लें एम्ब्रॉयड भी थे मोस्टली एम्ब्रायड थे डिज़ाइनिंग वाले थे शर्ट्स थी ऐसे ठीक है ये वाली आप प्राइसेस देख लें और इसके बाद ये फोर्टी परसेंट ऑफ करने के बाद इनकी प्राइसेस चेंज होनी थी ये इनकी एक्चुअल प्राइसेस हैं ठीक है देन ये वाला देख लें ये ब्लू कलर में है मैंने आपको एक आइडिया के लिए कुछ पीसेज़ जो हैं पिक किए थे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के हैं तो मुझे प्रेड कलेक्शन से तो कुछ भी पसंद नहीं है या पहले मेरे पास हैं आ, मैंने लिए हुए थे पहले की बात कर रही हूँ तो शर्ट्स मैंने ली थी और वो मुझे पसंद थी उस वक्त तो अब भी इस तरह का कुछ नहीं था एम्ब्रॉयड्रेड थे हर एक का मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है अब आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को ये पसंद आ जाए तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है इसको बाई कर सकते हैं और वैसे भी सेल्स थी तो सेल का जहाँ पे हम लेडीज़ नाम सुन लेते हैं हमें वहाँ पे ज़रूर जाना होता है फिर बारिश हो रही हो या जैसा भी मौसम हो कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती ठीक है तो यहाँ पे इस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी और जब मैं घर से बाहर भी गई हूँ तब भी बारिश ही थी बट ये है कि मुझे ये था कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ ताकि ये ना हो कि आर्टिकल जो हैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो मैंने ऑनलाइन पहले चेक कर लिया था क्योंकि इनकी एक दिन पहले रात के टाइम मिडनाइट में इनकी साइट पे आ गई थी सारी कलेक्शन सेल प्राइस वाली तो उसमें मैंने चेक कर लिया था मुझे बहुत उम्मीद थी कि जो उनसे फुटवेयर मुझे पसंद है वो सेल पे होंगे तो मैं ले लूँगी तो फिर मैं बेशक ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हूँ या जाके ले सकती हूँ सदर वाली आउटलेट पर तो आपको पता है फ़ुटवेयर है ही नहीं तो उस पर मैंने चेक कर लिया था उससे मुझे आइडिया हो गया था कि फुटवेयर पे एक तो थे कुछ थे कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर सेल है वो मेरी पसंद के नहीं थे तो फिर मुझे यही था कि मैं ड्रेसेस जा के देख लूँ क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था माहे कलेक्शन मुझे मोस्टली पसंद ही आता होता है विंटर्स में भी समर्स में भी लास्ट ईयर भी मैंने विंटर्स में लिए थे माहे से तो वो भी पड़ा हुआ है वो मैंने स्टिच नहीं करवाया तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी उसके बाद ये वाला देखे मतलब कोई एक एक भी ऐसा नहीं था कि जो पसंद आ जाए फिर ये टॉप फ्लोर पे हम लोग चले गए थे वहाँ पे भी हमने क्या चेक कर लिया तो मैंने आपको बताया ना वहाँ पे आई थिंक सो एक्स्ट्रा लार्ज वाले पीसेस अवेलेबल थे ये आप देख लें इनकी प्राइसेस भी ये सारे हैं ठीक है तो मैंने भी की है शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं की मिनिमम सी शॉपिंग की है जो कि मैं आपको मैंने बताया था कि मेरा पहला हॉल भी रहता है शेयर करना तो उसी के साथ ही मैं ये वाला भी क्या मैंने बाय किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी तो आपने ज़रूर ज़रूर वो वाला मेरा ब्लॉग देखना है ठीक है उसके बाद ये देखें ये है ट्राउज़र्स पे भी थी बट ये है कि मैं वेयर से पहले बहुत लेती होती थी ट्राउज़र लेकिन मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मुझे वो कोई भी साइज़ लूँ ना तो मुझे लेंथ वाइज वो छोटे होते हैं तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है तो अब तो मैंने बहुत टाइम से लेना ही छोड़ दी हैं लाइम लाइट के मैं लिया करती थी वो सही होते थे मेरे लिए लेकिन किसी कपड़े में कोई कपड़ा मुझे नहीं पसंद आता तो मेरे लिए यही बेस्ट होता है जो मैं अपना साइज़ दे के अपने टेलर से स्टिच करवा लूँ तो मेरे लिए वो वाला बेस्ट रहता है उसके बाद आई थिंक सो ये विंटर के थे yes ये खदर में और इस तरह का स्टाफ था ये विंटर वाले थे ठीक है और फिर ये मैं गई थी स्लीपर्स मैंने अपने मोस्ट फेवरेट बारिश वाले पहने हुए हैं बारिश वाले इन देंस दे कि जब मौसम ख़राब होता है तो मैं ये जेली शूज़ पहन लेती हूँ इससे ये होता है कि आपको खौफ और ख़तरा नहीं होता कि जूते ख़राब हो जाएंगे, ठीक है और इजी भी रहते हैं आप इसमें दैन ये मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ कि आज मैं खा रही हूँ देसी बर्गर हमारा बहुत मोस्ट फेवरेट देसी बर्गर अंडे वाला बर्गर ठीक है तो उसके साथ फिर ये मैंने ड्रिंक ले ली थी तो ये एक मैं आपको बात बता दूं अगर आपने सना सफीना से शॉपिंग करनी है तो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था कि फ़्राइडे को उनका स्टोर क्लोज़ होगा तो आप जाने से पहले ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ओपन है या क्लोज़ ठीक है तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ सो ओके अल्लाह हाफिज़